जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गौरी की मजाक उड़ा रही क्यों? गौरी देखो सारे बरामदे में कपड़े और बारिश आ गई थी और बहुत सारे कपड़े हो रहे देखो। और ये सूखे नहीं, हल्के हल्के गिल्ले हैं। वैसे तो सूख रहे लेकिन हल्के हल्के गिल्ले रह रहे, तो बारिश की वजह से सूख नहीं पाए, तो रात में सूख जाएगी। इसीलिए अंदर बरामदे में हमने बांध दी है रस्सी और ये जो है यहीं पर सूख जाएगी। और दोनों बहन ने खा रही है बिस्किट, ये देखो दोनों बहन ले रही और फिर उन्हें बना लिया था रस्सी से झूला। देखो कितने नीचे लटका दी सर, इस पर हैवी कपड़े पड़े ना, तो इस वजह से ज़्यादा नीचे हो रही। और बारिश तो बंद होगी हल्की, तो जो है सुबह में क्या दोपहर में ही आई थी बारिश 11-12 बजे के करीब। और गर्मी फिर ऐसे कैसे ही है, थोड़ी सी रात तो हुई है गर्मी में। करो हल्दी खाने से क्या हो? किसने बताया आपको हेल्दी फ्रूट जो है? मैं फोन में देखू। अच्छा, और जो खाने थे बहुत बड़ी बना हल्दी खाने से। हाँ। अच्छा, रहन दो, कड़वी लगा है ना। क्या गोरी बिस्कुट दे रहे आप मुझे? सच्ची आप ही खा लो। आज कहाँ पे सो गए आप? सारे बिस्तरे तो गिल्ले हैं, खाट भी गिल्ली है, खाट धुल दी थी मैंने वह और वह गिल्ली है। अब फिर क्या पे सोएगा भाई? गोरा बच्चा प्यू बच्चा, प्यू की धुली गोरी की तो सूखी है। देख गोरी तो बैठी अपनी खाट पे, तो सूख रही और थारी वाली धुल दी मैंने। उस पर तुमने मोमोज खिलाए थे ना। अब क्या पे सोओगी? नीचे सोएंगे हम, नहीं सोएंगे हम बाल के गाता डाल देंगे। और देखो मेंढक बोल ले, मेंढक बोला प्यू टर टर टर। मैं आ गई हूँ किचन में, तो करना है मुझे किचन का काम। तो मैंने गैस पर ना पतीली में, आज पतीले में बनाऊंगी मैं अभी, तो पतीली रख दिया गैस पे, तो तब तक हमारा पतीली सूख जाएगी। और उसमें मैंने तेल डाल दिया सुखा कर, क्योंकि तो गिल्ली रहती है तो फिर जो है छींटे लगने का डर रहता है। और आज बीपी हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा कम, मुझे लग रहा है ऐसा ही नहीं, नींद सी आ रही है आंखों में। देखो कैसे हो रही है आंखें, नींद नहीं जैसी। तो कोई नहीं, खाना बना लेती हूँ, फिर बच्चे भी रोने लगे तो इसलिए इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले अजवाइन। तो अरवी जो है जीरे में नहीं अच्छी लगती, अजवाइन की अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें डाल देती हूँ अजवाइन। तो उनको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ हाथ से रगड़ से कर, उसके बाद मैं डालूँगी। और अरवी को मैंने छील कर वॉश करके रख लिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यह है हमारी अरवी, तो इनको मैंने एक बाउल में जो है धोकर काट लिया था और छील लिया भी था। और इधर जो है देखो हमारा जो अजवाइन है वो अच्छे से लाल हो गई है और धुआं काफ़ी उठ रहा है पतीली में। तो छोंक कर सब्जी उसके बाद में करेंगे बाकी का काम। तो इधर मैंने घी भी गर्म कर दिया है, तो आज है संडे। तो ये देखो जी हमारी जो अरवी है अभी सूख गई है, तो अच्छे से मसाले भून गए हैं हमारे अरवी में फ्राई की। और अब इसमें कर देते हैं एक कटोरी के समथिंग पानी ऐड। तो अरवी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनानी है क्योंकि शाम को बनाएंगे आज स्पेशल सब्ज़ी, तो दिखाएंगे जरूर जो टाइम लग पाया वीडियो बनाने का। तो ये मैडम जी खा रही है नमकीन। कल स्कूल भी जाना? अच्छा, बहुत दिन हो गए छुट्टी मारते हुए। कितने दिन हो लिए? एक महीना। एक महीना और मारेगी? हाँ। डैडी और मैडम घर ही पहुंच जाएगी? नहीं जाएगी। आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे तेरे सर? फिर मैं पीट पीट कर ले जाऊंगा आपको स्कूल में। पहले मास्टर ना नहीं ले जा रहे थे, जो कोई बच्चे घर स्कूल था घर नहीं जा, सॉरी स्कूल में नहीं जा रहे थे ना, घर रह रहे थे,
और नया ऐसे ही पीट पीट कर ले जा रहे थे मास्टर। चलो अब बच्चे छुपक रहे थे मास्टर से, मास्टर ना कमरों में से ले जा रहे थे अंदर से निकाल कर। मैं भी तो नहीं कर रही थी छोटी सी, मैं भी छुप जा रही थी स्कूल में जाने के मारी। मैं नहीं जाने की स्कूल, मैं अपनी मम्मी को नहीं कर रही थी। मेरी नया वाली मम्मी अरुणन क्या करती थी, मैं नहीं जाने की स्कूल और अपने पापा को भी कहना ना हो। अरे नन्ना जबरदस्ती छोड़ कर आ रहे थे मुझे स्कूल में, हाथ पकड़ के पीट पीट के धमका धमका के। नन्नी भी जो नन्ना नहीं होते जिसते दिन नन्ना खेत में चल जाओ थे काम पे, फिर नन्नी छोड़ कर आ रहे थी। हाँ और अब जब मैं भी तुझे नहीं छोड़ कर आ रही, ठीक रहोगा मेरी मम्मी भी। तो यहाँ पे हमारी जो है अरवी की सब्जी चुके हो चुकी है तैयार, और अब इस पर लगा देते हैं ढक्कन, तो बंद कर देते हैं। तो इसमें मैंने एक कटोरी के समथिंग पानी ऐड कर दिया है, तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन। तो तब तक कर लेते हैं कपड़ों की धुलाई। कुछ कपड़े मैंने धुल दिए हैं, तो कपड़े आज के थोड़े से वहाँ पर पड़े हुए हैं बच्चों के और मेरे और जी के वंदना के डैडी के। और गोरी कर दिया है, सुसू करता है तो इसलिए गोरी के हो रहे हैं। और वैसे तो सारे कपड़े धुल दिए, और इधर पीऊ देख रही है फ़ोन, देखो खा भी रही है और फ़ोन देख रही है। और बारिश जैसा ही मौसम हो रहा है, मौसम अभी साफ नहीं हुआ तो बरसात तो चल रही है, लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही है इस वजह से। और जो है काम सारा फिनिश कर दिया है, काम निपट चुका है, तो अब बनाना है खाना। तो जो है मैंने सब्जी बना के रख ली थी अरबी की, और अब उसको सेकनी है रोटियाँ। चलो ये अब चलते हैं किचन में। वैसे सारा काम कंप्लीट हो गया है, वैसा सारा सा पशु वगैरह सब नहला को नहलाने के बाद में मैं आ गई हूँ ऊपर, और खुद भी नहा के आ गई। तो अब करती है मेकअप कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं गोरी करने देगी या नहीं, क्योंकि ये अभी सोने का टाइम हो रहा है गोरी का। और फिर रोटियाँ भी सेकनी है अभी मुझे तो, और गर्मी काफ़ी हो रही है। मेकअप किया था तो सारा होता है पसीना साफ करने में बार बार, तो कोई नहीं। चलो ये तो मेकअप तो बाद में जाएगा, और रोटी सेकने का टाइम होगा करना 12:30 बजने वाले हैं, और वंदना के डैडी भी आने वाले हैं खेत से। तो तब तक रोटियां बना के रख लेते हैं, तो फिर गोरी परेशान करेगी। और फिर मैं खेत में से आ रहा है उनके पास जाने की जिद कर रहा है, मैं जीत लिया हो क्या हुआ पसीना में। वैसे तो सो जाएगी, ये इतना परेशान नहीं करता गोरा बच्चा।